न्यूजीलैंड श्रृंखला के लिए भारतीय चयनकर्ताओं के इन तीन बड़े फैसलों ने सबको हैरत में डाला। इस युवा खिलाड़ी के साथ हुआ बड़ा छलावा। जी हां, जब भी भारतीय टीम का किसी भी दौरे के लिए स्क्वाड का चयन होता है, उसका ऐलान होता है, तो यह समझ में आ जाता है कि भैया भारतीय चयनकर्ता कुछ ना कुछ उलझुल फैसला लेने वाले हैं, और लिया भी जाता है। कुछ फैसले ऐसे रहते हैं जो किसी खिलाड़ी के पक्ष में आते हैं, कुछ उसके विपक्ष में चले जाते हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम चर्चा करने वाले हैं भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच चुनी गई भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में। देखेंगे कि उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए, कितने हैरतअंगेज फैसले लिए गए, और कितने किसके पक्ष में गए और कितने किसके विपक्ष में गए। लेकिन इस फैसले में एक ऐसा फैसला है जहां पर कहा जा सकता है कि भारतीय युवा खिलाड़ी के साथ बड़ा छलावा हुआ है। अगर हम बात करें कीवियों के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला की, तो इसका आगाज 16 अक्टूबर से होने वाला है, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दृष्टिकोण से भारतीय टीम के लिए काफी अहम श्रृंखला मानी जा रही है, जिस वजह से भारतीय टीम ने एक मजबूत स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन इस स्क्वाड में तीन बड़े फैसले देखने को मिले। अगर हम बात करें, चर्चा करें सबसे बड़े फैसले की, जो कि हमारे सबसे धुरंधर गेंदबाज के पक्ष में आया है। देखिए भैया, इस स्क्वाड में साफ तौर पे बीसीसीआई ने मेंशन कर दिया है, भारतीय चयनकर्ताओं ने बता दिया है कि रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी कौन है, यानी भारतीय टीम का उपकप्तान कौन है, वो है जसप्रीत बुमराह। ये बहुत सही फैसला है, बहुत वाजिब फैसला है, क्योंकि बुमराह डिजर्व करते हैं। आपको उनको सम्मान देना होगा, आप वर्कलोड मैनेजमेंट करिए उनका, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मुकाबलों में रेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बुमराह खेले तो उनको उपकप्तान बनाइए, जब रोहित शर्मा ना रहे तो बुमराह को कप्तान बनाइए, क्योंकि इस दिग्गज खिलाड़ी ने बहुत कुछ भारतीय टीम के लिए दिया है। अगर आप लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उनको कप्तानी नहीं दे सकते, तो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में आप जरूर दीजिए, क्योंकि बुमराह लॉन्गेस्ट फॉर्मेट का हर एक मुकाबला खेलना चाहते हैं, वो वहां वर्कलोड मैनेजमेंट बिल्कुल भी अपना नहीं चाहते। और ये सम्मान बीसीसीआई और बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने दिया है, उनका धन्यवाद। तो आप कहेंगे यार बुमराह पहले से था उपकप्तान, लेकिन आपको बताते चलूं कि जब गंभीर ने एंट्री मारी भारतीय टीम में बतौर कोच, तो बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला हुआ, वहां पर असमंजस था कि आखिरकार भारतीय टीम का उपकप्तान कौन है, क्योंकि ओडीआई और टी20 जो श्रृंखला गुजरी, वहां पर शुभमन गिल उपकप्तान बना दिए गए थे, तो अंदर अंदर रिपोर्ट्स आ गई कि शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के भी उपकप्तान होंगे। और जब भारतीय स्क्वाड का ऐलान हुआ बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला के लिए, तो वहां बुमराह के आगे उपकप्तान नहीं लिखा गया था, ना ही शुभमन गिल के आगे उपकप्तान लिखा गया था, यानी सोच विचार उस वक्त चल रहा था, वहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, संशय बना हुआ था भारतीय टीम का उपकप्तान कौन होगा, और बीसीसीआई चयनकर्ताओं के बीच गहन मंथन उस वक्त हो रहा था कि बुमराह के साथ स्टिक किया जाए या ना किया जाए, या फिर शुभमन गिल को दे दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन आया, जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं, और उसके बाद भैया बुमराह ने साफ तौर पे बीसीसीआई चयनकर्ताओं को कह दिया है कि वो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट लगातार खेलना चाहते हैं, वहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब इस स्थिति को देखकर, इस परिस्थिति को देखकर भारतीय चयनकर्ता ये समझ गए हैं कि बुमराह को ही उपकप्तान बनाना ठीक पड़ेगा। और ये भी ऐलान उन्होंने साथ ही साथ कर दिया है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाला है, वहां पर रोहित शर्मा एक मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो भारतीय टीम का कप्तान कौन होने वाला है, यानी बुमराह वहां पर भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए दिखेंगे। ये बुमराह के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बहुत सुखद खबर है। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी बात की, तो ये है कि भैया मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि न्यूजीलैंड श्रृंखला से वो वापसी करेंगे, फिर उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो अपना तहलका मचाते हुए दिखेंगे, भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी विभाग काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अभी भी पता चल रहा है पूरी तरीके से मोहम्मद शमी फिट नहीं हुए हैं, रिकवरी उनका जारी है, रिहैबिलिटेशन उनका जारी है। अगर हम तीसरे बड़ी बात की बात करें, तो ये जो सवाल उठता है बीसीसीआई चयनकर्ताओं के ऊपर, ये सवाल ये निशान है, ये सवाल इसलिए उठता है कि भैया आप युवाओं को जब मौका देते हैं, आप स्क्वाड में चयन करते हैं, तो वो काफी आशाओं से, काफी उम्मीदों से आता है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय युवा गेंदबाज यश दयाल की। यश दयाल बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला में बहुत उम्मीदों से आए थे, बहुत चर्चा भी हुई थी उनके ऊपर, उनके पिताजी ने बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दिए थे। तो आप बिना पदार्पण किए उस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता कैसे दिखा देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये संशय सभी खिलाड़ियों के मन में पैदा करता है जो इस तरीके से बाहर हो जाते हैं, कि आखिरकार उन्होंने गलत क्या किया, वो तो बेंच पर बैठे थे, फिर एकाएक आपको क्या सूझा कि वो आपके समीकरण से बाहर हो गए। आखिरकार यश दयाल का प्रदर्शन प्रभावित आपको किया था, तो फिर एक श्रृंखला के बाद वो प्रदर्शन आपको क्यों प्रभावित नहीं कर रहा है, और आपने मौका भी एक मुकाबले में नहीं दिया है,
तो ये यश दयाल के कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचाएगा, यश दयाल को ऊपर से नीचे तक हिला देगा। या तो आप उनको चुने ही ना होते, अगर आप चुने थे तो यहां पर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में आपको स्क्वाड का ऐलान करना पड़ा, जब आपने ट्रेवलिंग रिजर्व्स का ऐलान किया, तो भी अगर आप यश दयाल का नाम नहीं चुनते हो तो ये सवाल उठाते हैं आपके चयन के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, और ये खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को काफी ऊपर से नीचे तक झकझोर कर रख देगा। ये देखना पड़ेगा, भारतीय चयनकर्ताओं को समझना पड़ेगा किस तरीके के फैसले लेने से बचें। अगर आपका खिलाड़ी समीकरण में नहीं आ रहा है तो भैया उसको पहले ही ना चुने। आप एक श्रृंखला के लिए चुनते हैं, मौका नहीं देते हैं, फिर अगली श्रृंखला जब आती है वहां पर वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में भी अपना नाम नहीं पाता है तो उसके कॉन्फिडेंस को जरूर धक्का पहुंचेगा। बात हो रही है यश दयाल की। यहां पर आप भारतीय टीम की स्क्वाड देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है, रोहित, यशस्वी, शुभमन, विराट, केएल, सरफराज, ऑन द एक्सपेक्टेड नोट, कोई भी चेंज नहीं है। विकेट कीपर में ऋषभ पंत, ध्रुव जुरल, ऑन द एक्सपेक्टेड नोट, आर अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, सब उम्मीद कर रहे थे, बुमराह, कुलदीप, मोहम्मद सिराज, अकाशदीप। चलिए, आपने एडिशनल गेंदबाज नहीं रखा है, लेकिन जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स का ऐलान किया है उस ट्रैवलिंग रिजर्व्स की बात करें तो वहां पे आपको हर्षित राणा, मयंक यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश रेड्डी दिखेंगे। और इस ट्रैवलिंग रिजर्व्स में भी यश दयाल अपना नाम नहीं पा रहे हैं। हर्षित राणा का नाम आ चुका, मयंक यादव को आपने चुन लिया, प्रसिद्ध कृष्णा को चुन लिया, इवन नीतीश रेड्डी को भी आपने रख लिया, यश दयाल को नहीं रखा। तो ये सवाल उठाते हैं, यश दयाल के कॉन्फिडेंस को ये धक्का पहुंचाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा भारतीय टीम के स्क्वाड आपको कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।